तो आ गया यार एक और नई वीडियो के साथ हुआ पीस। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो। तो मैंने वीडियो में आपको आगे प्रूफ भी बताया, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहना अगर आप अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना चाहते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube शॉर्ट जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो जो लोग YouTube शॉर्ट पे एजुकेशन वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनका बहुत ही कम चांस है कि उनके YouTube शॉर्ट पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म क्यों ना हो उस पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपके वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन ही नहीं आ रहा तो आपकी वीडियो जो है कभी भी उसकी रीच नहीं बढ़ाई जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन किया और उसके सामने आपकी वीडियो आ रही है और उसने आपकी वीडियो को बिना देखे अगर स्वाइप कर दिया तो यूट्यूब जो उस वीडियो की रीच को कम कर देगा, क्योंकि उस पर ऑडियंस रिटेंशन ही नहीं है, कोई लोग उसकी वीडियो को देखना ही नहीं पसंद कर रहे, तो यूट्यूब जो इसी वीडियो की रीच क्यों बढ़ाएगा। वही किसी यूज़र ने यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन किया, उस यूज़र के सामने आपकी वीडियो आई और उसने आपकी वीडियो को फुल तक वॉच कर लिया। यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो जो है 30 सेकंड एक मिनट तक की होती है। अगर किसी यूज़र ने आपकी वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो YouTube जो उस वीडियो की रीच बढ़ाएगा, क्योंकि लोग जो उस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। तो YouTube शॉर्ट्स में भी ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। YouTube शॉर्ट्स ही नहीं बल्कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वीडियो प्लेटफॉर्म हो, Instagram रील्स हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ पर आपको जो ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन करके रखना होता है। अभी यहाँ पर मैं आपके सामने एक चैनल को ओपन करता हूँ जो कि किसी और चैनल की वीडियोज़ अपलोड कर रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे देखोगे तो ये चैनल जो है अपने YouTube शॉर्ट में जो राउंड टू हेल है उनकी वीडियो को डाउनलोड करके कुछ फनी क्लिप कट करके अपने YouTube शॉर्ट में अपलोड कर रहा है। और अगर आप व्यूज़ देखोगे तो 2 घंटे में लाखों में इनके चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं और इनके बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कि बहुत ही अच्छे वायरल हुए हैं जिन पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अब इसका यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि यूट्यूब शॉर्ट जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पज़ वाली जो वीडियोज़ होती है, जो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो है, वही लोग जो ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट पे, और उसी वीडियो पे उनको ज़्यादा रीच मिल रही है तो क्योंकि जो है लोग उनके वीडियो को ज़्यादा टाइम तक देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चैनल ओपन करके बताता हूँ जिसका कैटेगरी जो है वो रोस्टिंग कैटेगरी है। अब रोस्टिंग कैटेगरी में आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा चैनल जो है फिलहाल के टाइम पे कैरी मिनाटी का है। तो कैरी मिनाटी के कुछ वीडियोस में से फनी क्लिप कट करके यूट्यूब शॉर्ट में ये बंदा अपलोड किया जा रहा है और यूट्यूब शॉर्ट में जब इसको अच्छे व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल रहे तो यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करते करते ये खुद का भी कंटेंट ला रहा है। तो जब इसके चैनल को मोनिटाइज करना होगा तो जितने भी यूट्यूब शॉर्ट की वीडियोज़ होंगे वो उसे प्राइवेट कर देगा या तो डिलीट कर देगा। अब इसके जो वीडियोज़ है जो ये खुद के वीडियो अपलोड कर रहा है उस पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। 10 घंटे में इसको 8,000-9,000 इस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप भी जो इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क है कि आपके मोनिटाइजेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आप मोनिटाइजेशन के लिए वीडियो को अपलोड कर रहे हो और YouTube के शॉर्ट्स के जितने भी वीडियोस उसे अगर आप प्राइवेट या डिलीट कर देते हो तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क बनता है। पर इस बंदे ने क्या किया, YouTube शॉर्ट्स में इसकी जो कैटेगरी थी उसी कैटेगरी के बड़े चैनल का जो भी वीडियोस था उसे YouTube शॉर्ट में ये अपलोड कर रहा है और इसके YouTube शॉर्ट्स पे लाखों में व्यूज़ भी आ रहे हैं। अब व्यूज़ आ रहे तो इसको ऑब्वियसली बात है कि इसको सब्सक्राइबर भी मिल ही रहेंगे उसी की कैटेगरी के। तो इसका चैनल का जो है वो रोस्टिंग कैटेगरी का चैनल है और इसने जो है कैरी मिनाटी के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। तो इस YouTube शॉर्ट से जो उसको उसकी ही कैटेगरी के सब्सक्राइबर भी मिल रहे और जब वो अपने खुद का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है, लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा है, तो उस पर भी उसको अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये जब अपने मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा तो इसका मोनिटाइजेशन का जो वॉच टाइम होगा वो भी काउंट होगा। तो YouTube शॉर्ट्स का जो है वॉच टाइम काउंट नहीं होता मोनिटाइजेशन के लिए, पर ये जो बंदा है ये अपना खुद का भी कंटेंट अपलोड कर रहा है वीडियो पे और जो YouTube शॉर्ट्स से इसको सब्सक्राइबर मिले वो सब्सक्राइबर जो इसके YouTube के वीडियोस को भी देख रहे हैं जो कि 8 मिनट 10 मिनट की है, तो उस वीडियो से जो भी इसको वॉच टाइम मिल रहा है वो जो है मोनिटाइजेशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग भी जो इस तरह से दिमाग लगा सकते हो अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है मोनिटाइजेशन के लिए, वरना यहाँ पर अभी आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपका चैनल मोनिटाइज होता है या नहीं। यहाँ पर अगर YouTube शॉर्ट्स से जो भी आपको वॉच टाइम मिल रहा है वो तो मोनिटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा, पर आपका जो भी खुद का कंटेंट है उस पर अगर आपको व्यूज़ और वॉच टाइम मिल रहा है तो उसका तो वॉच टाइम काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 90% चांस है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो सकता है और 10% चांस है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने चैनल पर किस तरह से वर्क करना है। यूट्यूब शॉर्ट्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर और ये अभी टाइम है कि आप लोग जो अपने चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जोर से प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।